सेरी के मुकाम पर आज जम्मू कश्मीर डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने भी इस काम का जायजा लिया। जो आगे पीछे की स्टैंडर्ड गाड़ियों को निकाल के ताकि कल से ट्रैफिक को हम नॉर्मल तरीके से रिस्टोर कर सकें। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज की टीम जहां पर है लेड बाय द प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुरुषोत्तम जी, इन्होंने ये रास्ता तैयार किया है। अभी कुछ एरिया को ब्लैक टॉपिंग कर दी है। वो टनल्स के बीच में रोड का पैच था, वो रोड का पैच बह गया और उसके बाद वहाँ भी कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं थी। नाज़रीन, जम्मू से लेटेस्ट हाईवे अपडेट के हवाले से अगर बात करेंगे तो लगातार 3 रोज जो है वो ट्रैफिक मुअत्तल था। जम्मू से चंद रोज पहले सेरी रामन के मुकाम पर रोड सिंक होने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ट्रैफिक हॉल्ट कर दिया गया था। आज चौथे रोज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी मशक्कत करने के बाद रोड को रेस्टोर कर दिया गया। सेरी के मुकाम पर आज जम्मू कश्मीर डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने भी इस काम का जायज़ा लिया। उसके बाद जितने भी अमरनाथ यात्रा की जो गाड़ियां थी चंद्रकोट के मुकाम पे, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में वैली की तरफ जो है वो चलने की इजाज़त देगी। उसके बाद जितने भी जो स्टैंड व्हीकल्स थी रामन और बानीहाल के एरिया में, चाहे वो काजीगुंड हो या अनंतनाग हो या पहलगाम में थी, उनको भी जो है चलने की इजाज़त दी गई है। आप बने रहे कश्मीर क्राउन के लिए बानीहाल से मलिक मुदस्सर की ये खास रिपोर्ट। किस तरह के चैलेंजेस रहे और फाइनली ये रिस्टोर हो गया है, और क्या कहना चाहेंगे आपसे? देखिए, लगभग 5 दिन का वक्फा पड़ा। 7 तारीख को जो यात्रा अपवर्ड जो जा रही थी उनको रोकना पड़ा बरसात के चलते। रोड का 2 जगह पे डैमेज बड़ा सीरियस किस्म का हुआ। जिस सीरी जहाँ पर हम खड़े हैं 100 मीटर के करीब रोड आप देख रहे हैं, नीचे आपने वीडियोग्राफी की होगी, नीचे चली गई। पानी का इतना बड़ा फ्लो था कि रोड का नीचे का हिस्सा कट के ले गई और रोड नीचे पानी में बह गई। और ये इतनी बड़ी चुनौती थी, नई अलाइनमेंट जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी जिसमें काफी बड़ा कंक्रीट का सॉलिड तरह का काम हो चुका था, इस टोटे को काट करके जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज की टीम जहां पर है लेड बाय द प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुरुषोत्तम जी, इन्होंने ये रास्ता तैयार किया है। अभी कुछ एरिया को ब्लैक टॉपिंग कर दी है। अब क्योंकि यात्रा को छोड़ना जरूरी था, काफी दिनों से है, कुछ ब्लैक टॉपिंग बाकी है। ये जो लॉट चंद्रकोट में हमारा 5,000 के करीब यात्रियों का रुका था, ये क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद फिर से 2-4 घंटे की विंडो अवेलेबल होगी जिसके बीच में बचे हुए हिस्से की ब्लैक टॉपिंग होगी, ताकि जहां पर ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ भी हो जाए और तेज भी हो जाए, ताकि ज्यादा फिर उसके बाद गाड़ियों को हम निकाल सकें। इसके आगे का हिस्सा पंथियाल का आप लोगों ने जानते हैं, आपने देखा होगा, वहां पर भी ऐसा ही हुआ। जो एक 2 टनल्स के बीच में रोड का पैच था, वो रोड का पैच बह गया और उसके बाद वहां भी कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं थी। वहां पर भी एक नए ब्रिज को एक नई अलाइनमेंट थोड़ी सी दे करके उसके साथ जोड़ करके वहां पर भी ट्रैफिक रिस्टोर हो गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम टाइम के अंदर बहुत मेहनत करके जहां पर दोनों जगह पे कनेक्टिविटी फिर से रिस्टोर हो गई है। हमारे जो फंसे हुए यात्री थे, 5,500 के करीब यात्री अभी नीचे निकल जा चुके हैं, अभी 5,500 के करीब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। मैंने ये भी देखा है श्रीनगर से अभी आते हुए कि काफी गाड़ियां रामसू और उसके पीछे जगह जगह पर प्राइवेट गाड़ियां भी अभी स्टैंडर्ड हैं। कोशिश ये रहेगी कि एक बार ये जो विंडो का इस्तेमाल करके जब रोड की कनेक्टिविटी को और बेटर कर लेते हैं, इसकी ब्लैक टॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो स्टैंडर्ड गाड़ियां ऊपर से नीचे आने वाली उनको भी छोड़ा जाए। कोशिश है कि शाम के 7-8 बजे तक जो आगे पीछे की स्टैंडर्ड गाड़ियों को निकाल के, ताकि कल से ट्रैफिक को हम नॉर्मल तरीके से रिस्टोर कर सकें। मैं इसमें लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो ट्रैफिक की एडवाइजरीज हैं, क्योंकि ये कनेक्टिविटी अभी आज अंडर ट्रायल है, बेशक अच्छे से ट्रैफिक चल रही है, मगर ट्रैफिक की एडवाइजरीज को मान के चलना पड़ेगा। इतना ज्यादा लोड, इतना ज्यादा रश, एकदम गाड़ियां जो पिछले 3-4 दिन से रुकी हैं अगर एकदम सारे चलने शुरू कर देंगे तो यहां पर फिर से जैम बन जाएगा और ट्रैफिक को इधर साइड क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। लोग जब चलें तो अपनी ट्रैफिक एडवाइजरी जो ट्रैफिक की रोज पढ़ते हैं उनका ख्याल करके ही चलें। सबसे पहले ट्रैफिक उतनी ही गाड़ियों को छोड़ेगी जो रोड के ऊपर दाएं बाएं फंसी हुई है। इसके अलावा भी गाड़ियों को चलने की इजाजत किस हद तक दी जा सकती है वो ट्रैफिक अथॉरिटीज शाम को मिलकर के जायजा लेंगी। गाड़ियां क्लियर होने के बाद और रोड की कंडीशन देखने के बाद
उसके बाद आगे फैसला करेंगे कि आम लोगों के लिए एडवाइजरी क्या है। अभी बुनियादी तौर पे यात्रा के स्टैंडर्ड जो पैसेंजर हैं उनको निकालने के लिए अभी ये कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया गया है। हाय शाहिद। हेलो अस्मत, कहाँ गई थी? मैं देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते, देशभगत यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIEDP गाइडलाइंस क्या है असमत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया असमत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।